हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है त्रिभुज चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये त्रिभुज चैप्टर का जो है पार्ट टू हो जाएगा। पार्ट वन में 1 से लेकर 27 क्वेश्चन तक कवर किए थे और आज जो है इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएँ 1:2 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बहुत बार क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें होता क्या है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है उसका क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये थ्योरी जो है पूछा भी जाता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसमें जो है भुजा दिया गया है और निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या पड़ेगा, अगर भुजा दिया जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए तो स्क्वायर कर देना है, और अगर भुजा क्षेत्रफल दिया रहता और भुजा पूछा जाता तो उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भुजा दिया गया है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1:4 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का 4, यानी डी नंबर। और अगर सब्जेक्टिव पूछा जाता तो हम पिछले वीडियो में बताएं कि कैसे बनेगा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है पैरेलल है बीसी, तब एबी स्क्वायर बटा जो है एडी स्क्वायर निकालना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा जो है बराबर होगा, यानी इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, त्रिभुज की जो तीनों भुजा बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका नाम रखा गया है ए बी सी। इसमें क्या है कि जो ए डी है वो बी सी पर पैरेलल है, मतलब यहाँ से जो है शीर्ष ए से जो है सामने वाली भुजा जो है उस पर लंब डाला गया है, जिसका नाम है ए डी, वो बी सी पर लंब है। तो यहाँ पर जिस पर भी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा तो उसको बोलेंगे शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई बोला जाएगा, और जिस पर लंब होगा उसको बोलेंगे आधार, त्रिभुज की आधार बोला जाएगा। तो यहाँ निकालना है ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर। तो देख लीजिए 29 में है निकालना ए बी स्क्वायर बटा में, ए बी स्क्वायर बटा में निकालना है ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो ए बी, तो मान लीजिए कि ये जो ए बी है वो ए दिया गया है, ये भी ए है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, ये ए है। ये जब आधा, मतलब शीर्ष से जब भी कोई सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा तो वो सामने वाली जो भुजा होगा आधार वो आधा हो जाएगा, मतलब ये ए है तो ये ए वाई टू हो जाएगा, ये भी ए वाई टू हो जाएगा। उसके बाद ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 × 1 भुजा होता है, ये ऊंचाई होता है। तो निकालना है ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर। तो देख लीजिए ए बी का मान जो है वो ए है, ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे मान कर सकते हैं। तो ए बी का मान है ए, तो ए का स्क्वायर और बटा में ए डी का जो मान है वो √3/2 × a है, और ए डी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, अब बटा में 2 का स्क्वायर 4। तो मेन बटा यहाँ पर है तो ए स्क्वायर गुना में 4 जो है ऊपर चला जाएगा, और 3 a² नीचे, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ऊपर में 4 नीचे में 3। तो ये जो अनुपात हो जाएगा 4:3। देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रायंगल एबीसी जो है समरूप है ट्रायंगल पीक्यूआर, और एंगल ए बराबर 47 डिग्री, एंगल जो है क्यू है वो 73 है, तो एंगल सी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एंगल सी। 30 में है दो त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज है पीक्यूआर, पीक्यूआर। इसमें से जो है एंगल ए जो है 47 है, ये जो है 47 डिग्री है, उसके बाद एंगल क्यू ये है 73, और एंगल सी निकालना है। एंगल सी यानी ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल
ए बी सी समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ना वो एक समान होता है। तो यहाँ पर एंगल है, एंगल में देखिएगा कि एंगल ए के जो संगत भुजा होगा मतलब संगत कोण हो जाएगा, एंगल ए जितना होगा उतना ही होगा एंगल पी, इसके संगत एंगल ए का जो होगा एंगल पी। तो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, ये नाम जो है एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी, उसके बाद एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। तो एंगल ए 47 है तो एंगल पी भी जो है वो 47 होगा। उसके बाद एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, तो एंगल बी जो है वो बी पता नहीं है लेकिन एंगल क्यू पता है कि 73 है, तो ये 73 हो जाएगा। उसके बाद एंगल सी और एंगल आर, तो हमको निकालना है एंगल सी। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज में जो है तीनों कोणों का योग, कोई भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें जो है अभी तक पूरा कितना है तो इधर पूरा गया है टोटल, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 47 प्लस 73 जोड़ लेंगे तो 120 हुआ, 120 हुआ ये दोनों पूरा गया, और टोटल तीनों को जोड़ते हैं तो 180 पूरता है, मतलब ये कितना होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा। मतलब हुआ कि एंगल आर जो है वो एंगल सी के बराबर है, मतलब एंगल आर जो है एंगल सी के बराबर है, तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर वो सी नंबर करेक्ट है, 60 डिग्री सी। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुजों का जो दो त्रिभुज समरूप होने का जो कंडीशन होता है ये होता है कि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजा का अनुपात जो हो एक समान हो, तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये 30 था, 31 नंबर क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है बीसी पर पैरेलल है, एडी बराबर है बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी है जो है वो 23 सेंटीमीटर है, तो एसी निकालना है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, और एबीसी में क्या है कि एडी जो है लंब है बीसी पर, यानी यहाँ पर एडी लंब है बीसी पर, ये एडी है। हम बताएं कि एडी जो है वो कोई भी त्रिभुज में अगर शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे तो उसको शीर्ष लंब बोलेंगे, मतलब एडी जो हुआ वो शीर्ष लंब है और बीसी जो है इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई बन गया, जिसमें से AD लिखा गया है कि AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी AD जो है वो भी 8 सेंटीमीटर है और BD जो है वो भी 8 सेंटीमीटर है, दोनों 8 सेंटीमीटर है, और BC जो है यहाँ से यहाँ तक वो 23 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 23 सेंटीमीटर है, तो AC निकालना है, A और C निकालना है। तो देखिए एसी कैसे निकालते हैं सो देखते हैं, एडी है सामने की भुजा पर, एडी लंब है, तो इसमें क्या है कि दो तरीके से बना सकते हैं, या तो जो त्रिभुज का कुछ रूल होता है कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर ये समरूप होता ना तो इसको हम लिख लेते हैं कि ए बी बटा ए सी और बटा में बी डी बटा ए डी सी लिख देते हैं, तो ऐसे भी बन जाएगा। और दूसरा ये तरीका है इसको बनाने का, दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, तो इसको लिखते हैं ट्रायंगल ए डी बी जो है ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, तो ट्रायंगल ए डी बी जो है वो समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, तो इसमें देखिए कर्ण हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए बी, और ऐसे भी हमको निकालना है ये वाला भुजा ए सी, तो इधर लेते हैं ये त्रिभुज कर लेते हैं ए डी सी, तो ए डी सी में भी वही चीज़ है, इसमें जो है ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, तो यहाँ पर देखिए कि ये बी सी जो है वो 23 है, जिसमें से इधर है 5 8 है, इधर 8 है, तो इधर कितना हो जाएगा 15, इधर 15 हो जाएगा, तो यहाँ ट्रायंगल ए डी सी में जो है निकालते हैं ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ए डी देखिए कि ए डी लिखा गया 8, तो 8 का स्क्वायर
और डी सी जो है 15, तो 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 15 का 225, जोड़ लेंगे तो 279। तो ए सी स्क्वायर बराबर इतना था, तो ए सी निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 17। तो ये जो है ए सी जो है वो 17 हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट है 31 का, बी नंबर करेक्ट होगा 31 का। उसके बाद है 32 में कि ट्रायंगल एबीसी में डी ई जो है पाइलर है बी सी एवं ए डी बटा डी बी बराबर 3/5, और यदि है ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तो ए ही निकालना है। तो ये भी थेल्स प्रमेय पर बन जाएगा, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाना पड़ेगा। ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें कहा है कि डी ई जो है पाइलर है बी सी के, ये जो है इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, जिसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, तो ए डी बटा जो है डी बी 3/5 है, और ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है वो 5.6 है, यहाँ से यहाँ तक है 5.6 ही पूरा, और निकालना है हमको ए ई का मान। तो ए ई को एक्स कर लेते हैं, तो ये अगर एक्स होगा तो ये ई सी कितना हो जाएगा, तो 5.6 में से एक्स को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्स बटा हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 को एक से गुना करेंगे तो 5x बराबर में 3 से गुना करना पड़ेगा 5.6 को, तो गुना करेंगे तो 6 3 18, उसके बाद 5 3 15, 168 हुआ, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव, यानी 56 को 3 से गुना कर दिए और एक अंक पे दशमलव रख दिए। उसके बाद माइनस में 3 × x तो 3x, इसको ये 3 को जो है इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा 8x, और इधर 16.8, तो x बराबर 16.8 और बटा में जो है 8, तो इससे ये काट लेंगे, इससे ये कट जाएगा 8 × 16 और 1, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा तो x बराबर 2.1 होगा। वो दशमलव हटा के भी काटेंगे ना तो उतना ही 2.1 ही आएगा, तो देख लीजिए 2.1, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 32 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.1। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 है तब जो है त्रिभुज के कोण बताना है। तो कहा गया है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, मतलब कोई दो कोणों को जोड़ेंगे तो वो तीसरा कोण से के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन है कि 30 60 90, तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, तो ये ठीक है, लेकिन अंतर होना चाहिए 30 का, तो इसमें 60 में से 30 घटाएंगे तो अंतर 30 का है, तो यही सही है। उसके बाद आगे देखिए बी नंबर में है कि 45 45 90, तो 45 45 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, लेकिन 45 45 को घटाएंगे 30 नहीं आएगा, तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 60 60 तो होता ही नहीं, वो 90 पूरेगा ही नहीं, और इधर गलत है, तो यानी 33 का जो आंसर हो जाएगा वो एक नंबर करेक्ट है, तो 33 का जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 34, तो 34 में है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो भुजा निकालना है तो निकाल लीजिए, भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल दिया है तो क्या करेंगे, वर्ग कर लें, स्क्वायर मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 16 81 है तो 16 81 का निकाल लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है 16 81, 16 का 4 81 का 9, तो 4:9, यानी सी नंबर करेक्ट है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, हमें त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है, और यहाँ पर जो है दो बिंदु है A और B है, और कहा जा रहा है कि AB जो है वो PQR के जो है वो समांतर है, मतलब ए बी पैलर है क्यू आर के, ये दोनों पैलर है, तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, जिसमें से अब ये दोनों जो है समरूप भी है, यानी ट्रायंगल जो है पी ए बी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पर जो है थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हैं, और दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का अनुपात है तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं।
तो इसमें क्षेत्रफल का जो है अनुपात दिया गया है, तो ये जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका अनुपात दिया गया है 1:2। इसमें पूछा जा रहा है पी क्यू अपॉन ए क्यू, तो इसमें से देखिए क्या करते हैं कि इधर से पी ए संगत भुजा जो है पी ए यहाँ से चुनते हैं, तो पी ए अब बटा में पी क्यू, तो पी ए स्क्वायर या पी क्यू स्क्वायर क्षेत्रफलों का अनुपात है संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये 1/2 हो गया, 1/2 इतना आ गया। अब पूछा जा रहा है कि पी क्यू बटा में ए क्यू, पी क्यू बटा में ए क्यू, तो चलिए निकलते हैं। अब यहाँ पर से जो है हम अगर हम थेल्स पर में लगाते हैं तो लिखते हैं ए पी बटा में ए क्यू बराबर पी बी बटा में बी आर, ये लिखा जाता थेल्स पर में लगाते हैं यहाँ पर, तो ए पी ए बटा में ए क्यू और पी बी बटा में बी आर, ये लिखा जाता जो इतना लिखे हम। इसमें पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर देखिए पी क्यू तो है और ए क्यू है, ए और क्यू और पी क्यू और ए क्यू, ये निकाला और ये हमको जो है निकला हुआ है यहाँ पर पी ए, पी ए निकला हुआ है, पी क्यू है, इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर या फिर वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो ए पी बटा में पी क्यू जो है इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका वर्गमूल रूट चढ़ जाएगा, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा लेकिन रूट 2 रह जाएगा, तो पी ए बटा पी क्यू जो है 1/√2 है, निकालना है पी क्यू, पी क्यू बटा में ए क्यू, तो इसको उलट दे रहे हैं, इसको उलटेंगे तो पी क्यू बटा में पी ए बराबर हो जाएगा √2 बटा में 1, इसको क्या किए हैं कि उलट दिया, तो इतना हुआ। अब निकालना है ए क्यू, यहाँ पर ए क्यू है और यहाँ पर पी ए, पी ए पी ए, अच्छा पी क्यू को पी क्यू रखते हैं और यहाँ पर देखिए पी ए है, तो पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं कि पी क्यू माइनस ए क्यू, पी क्यू माइनस ए क्यू बराबर √2/1, ये लिख लिए। अब इसके बाद और कुछ नहीं है इसमें, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू बटा में पी क्यू माइनस एक्स बराबर √2/1, तो यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टी गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू को 1 से गुना करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, उसके बाद ये √2 को पी क्यू से गुना करेंगे तो एक पी क्यू गुना √2 और माइनस में √2x, उसके बाद करते क्या है कि इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पर पी क्यू प्लस हो जाएगा √2x बराबर में पी क्यू गुना √2, उसके बाद पी क्यू को एक साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √2x बराबर में पी क्यू गुना √2 माइनस में पी क्यू, इसको उधर लेगा। अब इसमें से इधर √2x है, इसमें से पी क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √2 - 1, फिर यहाँ पर अब करते क्या है निकालना है पी क्यू, पी क्यू बचा ए क्यू निकालना है तो x को उधर ले आते हैं तो यहाँ पर केवल √2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा ये हो जाएगा पी क्यू √2 - 1 बटा में x और इसको इधर ले आते हैं तो ये √2 - 1 ये इधर आके जो है भाग हो गया बराबर पी क्यू बटा में x, ये अभी तक x का मान आया मतलब पी क्यू बटा x का जो है अनुपात इतना आया है, और निकालना जो है ए ये पी क्यू बटा में ए क्यू निकालना है ए क्यू का, तो यहाँ पर देखिए और निकल रहा है x, तो x को हम क्या माने थे तो x को माने हैं ए पी, मतलब यहाँ पर जो अनुपात निकल रहा है ए पी का, ए पी अगर इतना रहता क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता तो ये हो जाता, यहाँ पर पूछा जा रहा है ए क्यू, तो ए क्यू में करेंगे क्या ए क्यू में कि पी क्यू को ए क्यू में से घटा लेते हैं, मतलब पी क्यू में से ए पी को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर पी क्यू का जो मान है वो है √2, तो वो तो रहा ही, उसके बाद
पी क्यू को मतलब ए पी को क्या लिख सकते हैं, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं हम, पी ए नहीं नहीं यहाँ पर निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू माइनस में ए पी, पी क्यू माइनस में ए पी, पी क्यू माइनस में ए पी लिख सकते हैं ए क्यू को। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू रूट टू है, और ये है माइनस में माइनस ए पी का मान, ए पी का मान यहाँ पर रूट टू माइनस वन है, तो यहाँ से रूट टू माइनस माइनस प्लस एक, तो इससे ये कट गया, मतलब हुआ ए क्यू को जो है एक आया, ए क्यू का अनुपात एक आया, यानी पी क्यू बटा में ए क्यू जो अनुपात है वो है रूट टू अपॉन ए। तो इस तरीके से रूट टू अपॉन ए आ जाएगा। तो ये देख लीजिए लंबा थोड़ा ये बन गया थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये रूट टू अनुपात एक, यानी आंसर जो होगा ए नंबर करेक्ट है 35 का। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसमें भी एक त्रिभुज है ए बी सी है त्रिभुज, और इसका माध्यिका है जिस डी है, ये समद्विभाज मतलब इस ये माध्यिका जो है इसको माध्यिका बोलते हैं, एंगल ए को जो है समद्विभाजित करता है। ट्रायंगल एबीसी में जो है बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, बीसी यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद नहीं बीसी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर, और बीडी जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, घटा लेंगे इसमें से। उसके बाद एंगल ए का जो है समद्विभाजक जो है ए डी है, मतलब एंगल ए को जो है दो भागों में बांटा है, तो निकालना है ए डी बटा में ए डी नहीं ए बी बटा में ए बी बटा में निकालना है ए सी, तो निकालना है ए बी बटा में ए सी। तो होता क्या है, इसको याद रख लीजिएगा, ये प्रमेय होता है, एक कंडीशन ये है कि जब समद्विभाजक हो, मतलब एंगल जो एंगल ए का जो समद्विभाजक अगर ये है ऐसा कुछ बोल रहा है, तब होता क्या है कि ए बी बटा ए सी जो है वो बराबर हो जाता है बी डी बटा में डी सी के। तो देखिए कि बी डी कितना है 5 है, और डी सी है 2.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 होगा, तो 25 × 50, तो यहाँ पर 2:1 यानी अनुपात 2:1, तो ए बी बटा ए सी कितना हो जाएगा 2:1, तो यहाँ पर जो है देख लीजिए 2:1 इसमें है, यह आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 37, वहाँ पर जो है केवल 2 लिखा गया है, तो 2 का मतलब वही ना 2:1 अनुपात में लिखेंगे। तो उसके बाद है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 16:25 है, तो ऊंचाई का अनुपात है, तो फिर वही बात हुआ कि क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई निकालना है, तो क्षेत्रफल जब भी दे ऊंचाई निकालना हो तो क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, तो 16:25 है तो 4:5 हो जाएगा, तो 37 का जो आंसर 4:5 यानी ए नंबर करेक्ट है। फिर 38 है कि चित्र में जो है DE जो है पैरेलल है BC, AD बराबर जो है 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, और AE बराबर जो है 1.6 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है EC, तो आप थेल्स प्रमेय लगाइए बन जाएगा, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो बन जाएगा, ये है ए बी सी और ये डी ई होगा, जिसमें ए डी जो है 2 है, ये 3 है, ये ए ई जो है 1.6 है, और ये पता नहीं है ई सी, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे 38 है ये 2/3 और 1.6/x क्रॉस में तिगुना होगा 2x बराबर 16×3=48 मतलब 4.8, तो x बराबर 48 का आधा कर लेंगे तो 24 मतलब 2.4, तो ये 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है चित्र में यदि बी डी जो है बी डी बराबर है सी डी, ई सी बराबर है ए ई, और एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी, उसके बाद है एंगल ई बी सी बराबर एंगल ई बी ए, तो कौन सा जो है कथन वो सही है ये पता करना है 39 में। तो ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी है, उसके बाद यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर ई है,
और कहा है कि बी डी जो है, बी डी वो सी डी के बराबर है। तो देखिए बी डी वो सी डी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। इधर लिखते हैं, इसमें जो है बी डी बराबर है सी डी। उसके बाद बोला गया है ई सी जो है, नहीं सी ई जो है वो ए ई के बराबर है। सी ई बराबर है ए ई, मतलब ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। उसके बाद एंगल बी ए डी, ध्यान से देखिएगा बी ए डी, ये एंगल जो है वो बराबर है सी ए डी के, सी ए डी के ये एंगल के बराबर है, ये दोनों बराबर है। उसके बाद ई बी सी, ई बी सी ये एंगल जो है बराबर है ई बी ए के, ई बी ए के ये एंगल के बराबर है। तब बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, सत्य है। तो लिखा गया है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। उसके बाद ए बी बराबर नहीं है बी सी, ए बी बराबर नहीं है सी ए सी, और बी सी बराबर जो है नहीं है ए सी। तो होगा क्या कि इसमें जो है जब ऐसा स्थिति है कि ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और उसके बाद ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो होगा क्या कि ये तीनों के तीनों जो है ये ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में होता है। और समबाहु का मतलब क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर हो, मतलब यहाँ पर ए बी जो है वो बी सी और ए सी ये तीनों के बराबर है, ये समबाहु त्रिभुज है। तब ये जो है समबाहु त्रिभुज है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है। उसके बाद चित्र में दिया गया है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय थेल्स प्रमेय लगेगा, तो इससे ये बन जाएगा 40 नंबर। तो ऐसे 40 नंबर क्वेश्चन जो है इधर बना देते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2/6 अनुपात में, और इसमें जो है बी सी को बी सी पूछा गया है। थेल्स प्रमेय से भी बना सकते हैं, लेकिन बी सी पूछा है तो करना क्या है कि उधर जो पी क्यू जो है, पी क्यू है 3, तो बी सी हो जाएगा उसका दुगुना। एक पहले क्वेश्चन था पिछले वीडियो में था, तो 3 × 2 मतलब 3 × 2 = 6। अच्छा 3 नहीं 5 है, तो 5 अगर होगा तो 5 × 2 कर दीजिएगा ये, तो 10 हो जाएगा आंसर। तो 40 का जो होगा वो 10 हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और 3 रहता है तो 6 हो जाता, उसका 2 गुना हो जाता है। उसके बाद है कि ट्रायंगल एबीसी तथा डीईएफ समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल दिया है, उसमें से एक ठो भुजा भी दिया है, तो निकाला है बीसी। तो क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, ए है बी है सी है डीईएफ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें देख लीजिए कौन सा भुजा यूज किया गया है, तो भुजा है ई एफ यूज किया गया है, तो बी सी हम यूज करेंगे, तो बी सी का स्क्वायर बटा में ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात है वो है 9/16। तो बी सी निकालना है, मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर बटा में इधर 4.2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्रॉस मल्टी गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर गुना में 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4.2 का स्क्वायर गुना 9/16। स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर इसमें से एक तो निकलेगा 4.2, इसमें से 9 का जो है 3, 16 का 4, तो गुना कर लेंगे यहाँ पर, कटेगा नहीं अभी, तो 3 × 2 = 6 और 4 × 3 = 12.6, 4 से भाग देंगे, अगर दशमलव हटा देते हैं तो 0, आधा कर लेते हैं 20, ये 63, तो 63/20, 20 से भाग दे दीजिए 63 में, 20 × 3 = 60 हो जाता है, 3 आएगा दशमलव देंगे 0 तो 1, तो 3.1 के आसपास आ जाएगा। तो इसमें देखिए कि 3.1 नहीं है, तो 3.1 नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, लगभग में 3.2 मानना पड़ेगा, 3.2 आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो दशमलव के बदले में 10 फ्री है, तो 10 फ्री है, तो यहाँ पर जो है 9 के आसपास आ जाता, 9 के आसपास मतलब 19 × 19 = 20, तो वही 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए नंबर नहीं होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कटा नहीं, मतलब बी नंबर नहीं होता, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, पूरा कट जाता था ना वो डायरेक्ट हो जाता, तो ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। फिर 42 नंबर का क्वेश्चन है, और नहीं ऑप्शन हम देख लिए थे इधर 43 में, इसमें देख लीजिए कि 3.1 के आसपास आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लिए थे 42 में,
बी इसका करेक्ट है, 1 5 है यहाँ पर, तो 3.1 के बाद कुछ भी आया है तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो वही होगा बी नंबर। उसके बाद है कि ट्रायंगल एबीसी में जो है ए बी बराबर है 6√3 और AC जो है 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, एंगल बी निकालना है। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़े का भुजा कौन है, तो 12 है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर ऐसा होता तो एंगल बी इसमें जो है वो 90 डिग्री होगा। तो AC देखिए कि AC जो है 12, तो 12 का स्क्वायर, AB है 6√3, तो इसका स्क्वायर प्लस में BC जो है वो 6 है, तो 144, इधर 6 का स्क्वायर 36, गुना में 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस में 36, तो 144 बराबर 6 3 18, 3 3 9, 1 10 36, जोड़ लेंगे तो 144 इधर भी, 144 इधर भी, मतलब हुआ कि ये जो त्रिभुज है ABC तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये कर्ण है AC के सामने का, जो AC का जो है सामने, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम तो यही कहता है ना कि बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसमें जो होगा 90, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 43 देख लीजिए कि भुजा दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई पूछा गया है, तो ऊंचाई क्या होता है, हाइट जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो √3/2 गुना 1 भुजा, और भुजा दिया है 2 है तो इससे कट गया, तो √3 ये, तो √3 ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये 44 नंबर क्वेश्चन था, ये 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बी करेक्ट है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन, तो 43 नंबर क्वेश्चन में भी जो है पाइथागोरस थेल्स प्रमेय लगा लीजिए, 43 में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AD बटा DB अब बराबर AE बटा EC, तो ये है 3/2 और ये AE जो है 4.8 है और EC निकालना है, इसको x मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 3x बराबर में 48 को 2 से गुना कर लेंगे तो 8 × 2 = 16, 96 मतलब 9.6, तो x बराबर 9.6 बटा में 3 दशमलव हटाएंगे तो ये कट जाएगा 3 के 12 से, तो ये 10 और ये 32, तो x बराबर 32/10 मतलब भाग देंगे 3.2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3.2 यानी सी नंबर करेक्ट है, ये 43 का आंसर सी नंबर। उसके बाद 44 बता दिए, और 45 में देखिएगा, 45 में भी जो है जो त्रिभुज है ABC तथा PQR में दिया गया, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज जो है समरूप है, तो इसमें मिलाइए ए है, ए बराबर है पी के, फिर है बी बराबर है एंगल क्यू के, फिर है एंगल सी बराबर एंगल आर के, मतलब हुआ इधर से ABC ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR, जैसे नाम लिखा गया उसी तरीके से जो है ये, तो ये दोनों समरूप हैं तब तो ये है, इसमें ट्रायंगल ABC जो समरूप होगा वो ट्रायंगल PQR के, तो देखिए ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, यानी डी नंबर करेक्ट है 45 का डी। उसके बाद 46 में लिखा गया है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समांतर चतुर्भुज होगा, तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है आयत का विग्रह रूप होता है, तो वो अगर सभी वृत्त को अगर स्पर्श करने लगे ना तो वो समचतुर्भुज हो जाता है, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 46 का जो है वो सी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद 47 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल है, तो इसमें जो है भुजा दिया गया है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 5 का 25, तो 9:25, तो देखिए 9:25 ऑप्शन ए करेक्ट है 47 का। उसके बाद 48 है, तो चलिए 48 में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और इससे बनेगा, सुना है तेरे दिल पे मैंने, तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल है ABC और वो भी एक समकोण त्रिभुज है,
ए जो है समकोण है बी सी, जिसमें से दिया गया है बी सी जो है 13, बी सी जो है 13 है और ए बी जो है वो है 12, तो ए सी निकालना है। तो ए सी निकालेंगे तो ये देखिए कर्ण हो गया, मतलब हुआ कि बी सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। ए सी निकालना है, ये 13 है 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, तो 169 इधर आके घटेगा 144 ए सी स्क्वायर, तो ये 25 ए सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर 5, वर्गमूल निकालेंगे तो ए सी बराबर 5, यानी ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया गया है 30 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा निकालना है। तो समचतुर्भुज की जो भुजा होता है, समचतुर्भुज की भुजा ए बराबर रूट अंडर होता है डी वन स्क्वायर प्लस में डी टू स्क्वायर हाफ, इसका आधा, तो 1/2 डी वन देखिए कि ये है 30 प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 1/2। तो 49 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का जो हल है आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो उसमें देख लीजिएगा कैसे बना है। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रायंगल एबीसी में जो है डी पाइलर है बीसी, तो ये भी जो है थेल्स प्रमेय से बन जाएगा। ट्रायंगल एबीसी है, इसमें जो है डीई पाइलर है बीसी, मतलब ये दोनों समांतर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं ए डी बटा में डी बी थेल्स प्रमेय से ए ई बटा में ए सी, तो ये दिया गया है 3/5 और ये 4.8 है, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये 3x बराबर में 5, 5 से गुना कर लेंगे 4.8 को, तो 8×5=40, 4×5=20, 20×8=24, यानी यहाँ पर दशमलव, तो x बराबर जो होगा 24 हो जाएगा, ये दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 3 इससे कट गया तो 12, तो x बराबर जो है 12, मतलब हुआ कि ये इसी जो है 12 हो जाएगा, तो इसी 12 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि लिखा गया है कि ट्रायंगल ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें एंगल ACD 110 डिग्री है, एंगल BAC जो है 57 डिग्री है, तो एंगल ABC का जो है मान क्या होगा। तो त्रिभुज है ABC है, ये क्वेश्चन 51 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, ये A है B है C है, इस त्रिभुज में जो है BC को क्या है, BC जो भुजा है उसको D तक बढ़ाया गया, यानी ये भुजा को ना D तक यहाँ तक बढ़ाया गया। फिर है जिससे जो है एंगल ACD ये जो एंगल है वो है 110। उसके बाद BAC जो है वो 57 है, तो निकालना है ABC ये एंगल निकालना है कितना होता है। तो देखिए जो 110 ये वाला एंगल हुआ ना, तो ये जो है बाहर एंगल है, मतलब ये एक सरल लेखा है, BD जो है एक सरल लेखा है, इस पर 180 का कोण बनेगा, तो इधर 110 बन गया, मतलब इधर 70 बनेगा। उसके बाद आप त्रिभुज के अंदर देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब 57 + 70 + x = 180, तीनों कोणों का योग 180, तो यहाँ से x बराबर 180 में से घट जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 127 हो जाएगा, 57 और 70, और घटाएंगे तो 3 और इधर 7 तो 5 53, तो ये इसका 53 डिग्री ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो है एबीसी में यदि एसी जो है वो बीसी के बराबर है और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC², तो एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और इसको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 कैसे होगा सो देख लीजिए, ट्रायंगल ए है बी है सी है, जिसमें जो है बराबर है ए सी, अब यहाँ पर इसको सी करते हैं इसको बी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सी जो कहा है ए सी बराबर है बी सी, तो इसका मतलब ए बी जो है कर्ण हो जाएगा,
इसका मतलब ए बी जो है कर्ण है, तो ए बी कर्ण है तब तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि कर्ण तो तीनों भुजा में से सबसे बड़ा का होता है ना, तो इसका मतलब इसके सामने का जो कोण है ये 90 डिग्री होगा। और जो कहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² तो अगर समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC² प्लस में BC², तो ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे की जगह यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो AC² बराबर यहाँ पर BC के जगह पर AC भी रख सकते हैं, क्योंकि कहा है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो यहाँ BC के जगह AC रखेंगे तो AC² तो AB² बराबर में 2AC² हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर एंगल, तो इसका आंसर जो होगा डी नंबर करेक्ट है, एंगल AC जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से जो है ये त्रिभुज नामक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो गया। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।